हाँ हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन फ्रेश है। हम गए थे पुलिस स्टेशन गए थे दो राज्य क्या करने गए थे एक नया केस फाइल करने गए थे शर्मिन आई है ना शर्लिन जी पहले सीक्रेट मीटिंग पहले अंबोली वाला कर लेते हैं फिर सीक्रेट मीटिंग पे आते हैं। फर्स्ट अंबोली पुलिस वाले पुलिस जो भी था क्या आप लोग केस कर रहे हैं एक और नया पुलिस चौकी पर गए हमने वहाँ पर हमारे आयो से बात करी उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन। मैंने उनसे कहा कि सर मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ। तो मैंने कहा सर आए दिन कभी राखी मुझ पर फर्जी आरोप लगाती है तो कभी मैं उन्हें फर्जी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए दो बहनें चार दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ता उम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूंगी। ये हमारी बात हुई। और जो FIR मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी अंबोली पुलिस चौकी में उस पर भी हमारी बात हुई थी SI से और हमारे IO से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राखी का कॉल आया। आप सब हो सके तो